आज है संडे और हम दोनों बहनें फ्रेंड्स जा रही हैं पैसिफिक मॉल। तो आज हमने बस ली और बस का हमारा किराया लगा 20-20 रुपीज़। और इन्होंने हमें सीधा बिना कहीं रोके टोके हमको मॉल के आगे उतारा और हम बहुत ज़्यादा खुश थे। मैं इसको कह रही हाथ दे दे, ये टिकट दे रही। फिर उसके बाद हम बस में बैठ के इंजॉय कर रहे थे क्योंकि एसी वाली बस थी और ऑटो वाले भैया तो हमें लूट लेते हैं, तो हम बहुत ही ज़्यादा खुश थे, हमें मज़े आ रहे थे। सो यहाँ पे आप लोग संडे को देख सकते हैं कि कैसा क्या माहौल रहता है। ठीक ठीक ही था, मतलब बस से इतना मज़ा आ रहा था, इसलिए आ रहा था क्योंकि पैसे कम लगे थे। तो चलो गाइस चलते हैं साथ में। सबसे पहले हम गए थे H&M क्योंकि हमको H&M देखना था कि कैसी कैसी कलेक्शन आती है। और मैं 2-3 बार पैसिफिक मॉल आई हूँ बट H&M नहीं गई, तो आज मैंने सोचा मैं मॉल में बाद में जाऊँगी, आज मैं सबसे पहले H&M में ही जाऊँगी बिकॉज़ H&M इज़ माई फेवरेट ब्रांड। तो चलो गाइस चलते हैं साथ में। और यहाँ मैंने एंट्री कर ली और मैंने कुछ कपड़े सेलेक्ट किए। तो चलो पहले मैंने ये कार्डिगन ट्राई किया, सभी साइजेस पहले बता देती हूँ, स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल या फिर मीडियम, ऐसे हैं। फिर मैंने ये टॉप और ये जीन्स ट्राई किया और ये जीन्स मैंने परचेज़ कर ली थी क्योंकि जो मेरी पुराने वाली थी उस पर दाग वाग लग गए थे। फिर मैंने ये टी शर्ट ट्राई की, ये मेरी फ्रेंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। फिर मैंने ये जीन्स ट्राई की, ये जीन्स बहुत ज़्यादा टाइट थी, फिटिंग थी और ऐसे जीन्स मैं पहनती नहीं हूँ। फिर मैंने ये वाली टी शर्ट ट्राई की और फिर ये टैंक टॉप ट्राई किया, बेसिक्स कपड़े ही मिलते हैं वैसे यहाँ, सिंपल। फिर मैंने ये टॉप ट्राई किया जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। फिर उसके बाद मैंने ये कार्डिगन ट्राई किया तो मैंने सोचा नहीं, इनको मैं विंटर्स में ही लूँगी। फिर उसके बाद हम आ गए थे वापस और वो सब कपड़े पहन के मैंने उनमें से सिर्फ़ एक जीन्स सिलेक्ट की थी। मैंने सोचा चलो अब दोबारा देखते हैं कुछ नया, कुछ अच्छा सा, कुछ यूनिक। तो देख ही रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था, ऑनलाइन में तो आराम से देखते रहो, है ना, और फिर यहाँ ट्राई भी करना पड़ता है, लाइनें भी लगती हैं, बहुत सारी भीड़ होती हैं। तो मैं यहाँ देख रही हूँ, आप लोग भी देख लो कि क्या क्या कलेक्शंस आई हुई हैं। और मैं मस्त मस्त शॉर्ट्स आए हुए थे, इतने इतने अच्छे थे, मेरा मन कर रहा था सब ले लूँ। बट अभी विंटर्स आने वाले हैं ना कुछ टाइम बाद, 1-2 महीने बाद, तो फिर मैंने सोचा मैं पहन ही नहीं पाऊँगी तो नेक्स्ट टाइम ले लूँगी। बहुत सारी शर्ट्स थी, ट्राउज़र्स थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छी अच्छी कलेक्शंस थी और बहुत सारे कपल्स आए हुए थे। और आप लोगों को तो पता है मुझे कपल्स बिल्कुल भी, मतलब ठीक है बस क्योंकि मैं सिंगल हूँ ना इसलिए मुझे कपल्स अच्छे नहीं लगते, टू बी हॉनेस्ट। जो कपल्स हैं उनको बुरा लग रहा हो तो सॉरी। वो H&M के ट्रायल रूम में हम एक टाइम पे सात ही कपड़े ले सकते अपने साथ, तो वो सात कपड़े मैंने ट्राई कर लिए थे। कुछ टाइट थे, कुछ लूज थे, कुछ मुझे पसंद ही थे, कुछ बहुत ज़्यादा बेसिक्स थे। तो इसलिए फिर मैंने दोबारा शॉपिंग करना स्टार्ट किया, जिस सेक्शन में मैं नहीं गई थी मैंने वहाँ ट्राई किया कि देखती हूँ कि कुछ मिल जाए अच्छा सा। और बहुत सारी चीज़ें देखी मैंने, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से पिकअप किया। और आप लोग भी देख लो कि कैसी कैसी कलेक्शंस आई हुई हैं। और मॉल में घूमने के लिए हमें मतलब हम 11 बजे गए थे और हम घर घुसे 5 बजे, तो इतना टाइम लगाया हमने। मतलब फिर हमने एक एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लोर की, बहुत मज़ा आया, हमने बहुत मज़े किए। तो आप लोग देखते रहो, ये किड सेक्शन था, हम किड सेक्शन में घुस गए। और आप लोग देख सकते हो किड सेक्शन हमारे किसी काम का नहीं है क्योंकि अब हम बड़े बच्चे हो चुके हैं। और यहाँ मेंस का सेक्शन है तो मेरा बॉयफ्रेंड तो है नहीं जो मैं उसके लिए शॉपिंग करूँगी, बिकॉज़ यू नो गाइज आई एम सिंगल। तो चलो फटाफट ट्रायल रूम में चलते हैं। तो फिर मैंने सबसे पहले ये टी शर्ट उठाई, बेसिक थी ये टी शर्ट भी, बेसिक थी, सिंपल थी बिल्कुल। ये टी शर्ट तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक सिंपल थी, इसका कलर भी बहुत वैसा था, आउटडेटेड। फिर ये ट्राउज़र ट्राई किया, इनमें पॉकेट्स ही नहीं थी दोनों ट्राउज़र्स में, नाइट सूट के लिए देख रही थी। फिर मैंने ये वाला ट्राउज़र ट्राई किया ग्रे कलर का, फिर ये थोड़ा फैशनेबल लग रहा था बट इसकी लुक अच्छी नहीं आई, आई डोंट नो वाई। फिर ये भी मैंने रफा दफा कर दिए, फिर मैं दोबारा चली कुछ नया नया ढूंढने के लिए। फिर मैंने उठाई, फिर मैंने क्यूट सी टी शर्ट देखी, अच्छी थी बट कहीं भी मिल जाएगी। फिर ये ब्लैक वाला देखा, फिर ये मैं थोड़ा बड़ा साइज़ लेके आई, ये ठीक लग रहा था बट ऐसे कपड़े मैं पहनती नहीं, ओके बाय। फिर उसके बाद मैंने वो सिर्फ़ एक ब्लू डेनिम की जीन्स ली। तो चलो फटाफट उसकी बिलिंग कराते हैं। तो यहाँ भैया पूछ रहे थे आपका कोई मेंबरशिप वगैरह है, तो वो सब मैंने पहले यूज़ कर लिया था। तो ये जीन्स मुझे पड़ी 1990 रुपये की शायद।
फिर उसके बाद हम घुसे पैसिफिक मॉल में। माय है पैसिफिक मॉल बटर स्कॉच। तो सबसे पहले मॉल में हमने आइसक्रीम खाई, मैंने टेस्ट की बटर स्कॉच एंड मेरी फ्रेंड ने की चॉकलेट, उसने ले ली। आइसक्रीम का प्राइस था 130 ये देखो। और फिर उसके बाद हम गए नाइका, फिर उसके बाद हम गए एडिडास के शोरूम में। तो यहाँ मैंने 2-3 स्नीकर्स देखे, बहुत कॉस्टली थे, 13,000 के। और मैं यहाँ अपनी शक्ल देख रही हूँ कि लूँ या ना लूँ, क्योंकि मुझे जनवरी में फ़ीस भी भरनी है, पैसे भेजने भी है घर पे, एकत्रित भी करने हैं, शौक भी पूरे करने हैं। अभी मैं प्रमोशंस बहुत कम कर रही हूँ ना, इसलिए। तो चलो फटाफट गाइस इन सब बातों को छोड़ो, आप लोग मेरे शूज़ देखो कैसे लग रहे हैं। जब आप बहुत सारा प्यार दोगे ना मुझे, मेरे व्लॉग्स लाइक करोगे, शेयर करोगे, फिर मैं ये शूज़ पक्का लेके जाऊंगी। बस अभी आप लोगों को ये बताना है कि कौन से वाले ज़्यादा अच्छे हैं। और बिल्कुल भी मतलब चुभ रहे थे थोड़े थोड़े, इस करके भी मैंने नहीं लिए, वरना मैं ले लेती। फिर हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी, फिर हमने खाए स्वीट कॉर्न, मैंने और मेरी फ्रेंड ने। स्वीट कॉर्न थे 50 रुपीज़ के थे आई थिंक, हाँ इतने ही थे शायद। ये नींबू डाल रहे हैं भैया, और हमने खाए, मैंने कम मसाला डलवाया बिल्कुल मेरी फ्रेंड ने भर भर के। फिर उसके बाद हम गए ओनली वाले शोरूम में। तो सबसे पहले मैंने ये वाला टॉप ट्राई किया, ये अंडर आर्म से थोड़ा सा टाइट था इसलिए मैंने इसको रहने दिया, बट इसकी लुक बहुत अच्छी थी। फिर मैंने वो टॉप ट्राई किया, वो मीशो वगैरह कहीं भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा ज़ारा वारा भी। ये टी शर्ट बहुत प्यारी थी, 800 रुपये की थी, बट ये टॉप तो मेरे को इतना गंदा फंसा आया ही नहीं। फिर उसके बाद मैंने ये जीन्स ट्राई की, ये बहुत प्यारी थी, बहुत कंफर्टेबल थी। फिर ये पैंट ट्राई की, मेरी फ्रेंड कहती दीदी ये पैंट ऐसे लग रहा है जैसे कोई स्कूल की यूनिफॉर्म हो। फिर उसके बाद मैं नाइट सूट देखने गई, ये मेरे को बहुत क्यूट लगा, बट इसका पजामा अच्छा नहीं था, ये वाला बहुत अजीब सा कलर लग रहा था मेरे ऊपर। आप लोग बताओ कि मुझे कौन सा नाइट सूट लेना चाहिए। और ये वाला ऐसा तो मैंने ले ही लिया ना, पर ऐसी ऐसी टी शर्ट भी मेरे पास बहुत है, तो आई एम कन्फ्यूज गाइज कौन सा अच्छा लग रहा था, प्लीज़ बताना। तो फिर क्या हुआ, तो अभी हम आए हैं डिस्को, जस्ट किडिंग। हम कहाँ आए हैं, हम आए हैं बहुत रॉयल और महंगी जगह पे, आप लोगों ने तो कभी देखी नहीं होगी। ओके, सो इस रेस्टोरेंट में हमने चिली पनीर मंगवाए, तो इनकी कोई मैनेजर आती है, कहती कि आप ना ये ट्राई करो। ये क्या हो रहा है, उबलता हुआ फिंगलिंग इसी को बोलते हैं। अच्छा यस यस कर दीजिए। अच्छा ऐसे मिलेगा क्या हमें? ओके ओके आपको धुमा नहीं आपको धुमा नहीं आ रहा? उन्हें आदत है ना, इसलिए फर्क नहीं पड़ा होगा। ओके इतना टेस्टलेस खाना था, मैं क्या ही बोलूं, बकवास एकदम। तो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं और दो कपल्स डिसाइड हो गए, दोनों ही कपल्स हैं या फिर क्या है, ओके। तो मैं आप लोगों को संडे की स्टोरी बताती हूँ क्या हुआ। तो हम गए खाने, तो मैंने चिली पनीर मंगवाए थे, तो उनकी जो मैनेजर थी वो कहती कि मैम आप लोग ना ये ट्राई करो मील, इसमें ना 2 जनों का पेट भर जाएगा। तो मेरी फ्रेंड कहती कि चलो ठीक है, तो मैंने बोला नहीं यार पता नहीं कैसा क्या ही देंगे। तो कहती मैम आप ट्राई करो आपको अच्छा लगेगा, तो मैंने बोला चलो ठीक है ले आओ। तो हमने 399 का किया था, उन्होंने हमको 5499 का चेप दिया, ठीक है। उसके बाद फिर हमने खाया, बहुत ही ज़्यादा टेस्टलेस था। जो चाउमीन थी और जो मंचूरियन की ग्रेवी थी वो सब मिक्स हो चुका था, चाउमीन तो खाई नहीं जा रही थी। वी कैन से नूडल्स के नाम पे धब्बा था धब्बा। फिर उसके बाद मैंने बोला कि नूडल्स बहुत गंदे हैं, खाए नहीं जा रहे, तो कहते कि ठीक है मैम हम चेंज करके देते हैं। फिर इतना बेसुरा, इतना बेस्वाद चाउमीन दी, उससे अच्छा तो मैगी का टेस्ट भी होता है खाने के लायक, इतना फीका इतना गंदा। तो फिर उसके बाद वो आए कहते कि उन्होंने, फिर मुझे पता था सर्विस टैक्स वगैरह लगाएंगे, तो उन्होंने सर्विस टैक्स वगैरह लगा दिए बहुत सारे। तो मैंने बोला मैं तो नहीं दूंगी इनका, क्योंकि मुझे सर्विस अच्छी नहीं लगी ना मुझे खाना अच्छा लगा। फिर कहते सॉरी मैम, तो उन्होंने एक दो टैक्स हटा के फिर 530 समथिंग का बिल बना दिया। तो मैंने मेरी फ्रेंड ने दे दिया। तो फिर उसके बाद मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा घटिया खाना दिया आप लोगों ने और टेस्टलेस। तो फिर कहते सॉरी मैम हम नया लगा देते हैं। मैंने बोला अब क्या लगाओगे नया भाई, हमारी टाइम ही न जाने की,
हम यहाँ खाना खाते ही रहेंगे, और क्या गारंटी है जो दूसरा दोगे वो भी अच्छा होगा। उसके बाद फिर हम वहाँ से चले गए थे, फिर हम हॉस्टल आए थे 5 बजे, और वहाँ से हम वॉक करते हुए आए 2 किलोमीटर। और वो खाना खाने के बाद मेरा अजीब सा मूड हो गया था, फिर मैंने गोलगप्पे खाए, फिर मेरा टेस्ट अच्छा हो गया था। तो फिर वही बात है, हमारा आने जाने को तो 40 रुपये में हो गया था, फिर वो ऑटो वाला वही वेस्ट हो गया पैसा। तो आगे से हम ध्यान रखेंगे कि हम ऐसी जगह से ना खाएं जहाँ इतना महंगा और इतना टैक्स वैक्स हो, हम स्ट्रीट फूड या फिर नॉर्मल फूड ही प्रेफर करेंगे। और उसके बाद हमने देखा कि बाहर दो एक लड़की थी एक आदमी था, फाइट हो रही थी बहुत गंदे वाली। अब ये नहीं पता वो कौन थे क्या था, काफ़ी बुरा लगा लगा देख के। और एक लड़की का कमेंट आया, कह रही कि जिन लोगों ने हमको किडनैप किया हम उनको ही रखने की सोच रहे हो। पता नहीं यार ऐसा ही दिल हमारा, मतलब वो उस टाइम गुंडों के साथ आए थे ना, तो जैसा भका रहे थे उनको भी वो भी वैसा ही बहक रहे थे। तो अब ठोकर लगी है, थोड़ी बहुत अकल आई है। सो गाइस, मैंने आप लोगों के कमेंट पढ़े तो हम उनको नहीं रखेंगे, क्योंकि जब उन्होंने हमारी कभी फिक्र नहीं की तो हम उनकी क्यों ही करें। तो हम अपना प्रेजेंट में जिएंगे और अपना फ्यूचर पे ध्यान देंगे, और उनको जो भी करना है करें, उनकी लाइफ है। हमसे पूछ के थोड़ी ना गए थे या वहाँ रहे थे, या अपनी बीवी दी थी मेरे पापा को, हमसे पूछ के थोड़ी ना दी थी, अपने मन से दी थी, अपने मन से दी थी। तो अब कर्मा है, आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम, उनको ये सब फेस करना ही पड़ेगा, बिकॉज कर्मा से कोई नहीं बच सकता। ओके, तो चलो ठीक है गाइस, आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा रहे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कैसा लग रहा है आपको डेली ब्लॉगिंग, मेरी डेली गंदी सी शक्ल देख के कैसा लग रहा है आप लोगों को? अच्छा लग रहा हो तो बता देना, और बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।